डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज डियर स्टूडेंट्स, हम 2020 की PYQ करेंगे, यानी कि 2020 में पॉलिटी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे PYQ हमारी आगे निकलती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। यानी कि जिस साल की हम PYQ करते हैं, उससे पिछले साल में भी वैसे ही क्वेश्चन या उनसे मिलती जुलती स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों, आपको PYQ को थोड़ा सा सीरियस होके इनको एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इनसे रिलेटेड या इनकी स्टेटमेंट चेंज करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओ। तो बच्चों, आज हम पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कर रहे हैं PYQ का। ये क्वेश्चन बच्चों NDA 2020 से रिलेटेड हमारा रहेगा, यानी कि NDA 2020 के फास्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है हमारा। Which of the following statement with regard to प्रधानमंत्री कृषि स्कीम योजना are correct? भाई, प्रधानमंत्री कृषि स्कीम योजना क्या थी? अब बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और इससे रिलेटेड देखो बच्चों, प्रधानमंत्री कृषि स्कीम योजना की बात की जाए, तो एक्चुअल में जब हम KYC या फिर KCC किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की बात करते हैं, या फिर कृषि से रिलेटेड अलग अलग योजनाएं जो थी उनकी बात करते हैं, तो वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट हैंडल होती है, और प्रधानमंत्री उन योजनाओं को डायरेक्ट चलाता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो गांव को मेन रोडों से जोड़ने की योजना भी प्रधानमंत्री की योजना थी। हो सकता है अगली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो योजना भी बच्चों डायरेक्ट प्रधानमंत्री की रहती है। अब हम इसकी पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2015। भाई, ये किससे रिलेटेड थी? सिंचाई से रिलेटेड योजना थी, और इसको 2015-16 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अब बच्चों, सिंचाई से रिलेटेड योजना में क्या काम किया जाता है, पहले तो हम ये देखते हैं। एक्चुअल में बच्चों, सिंचाई से रिलेटेड योजना जो होती है, उसमें बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे अलग अलग टाइप से काम किया जाता है। छोटे लेवल की बात करें तो जो नहरें होती है, कैनाल होती है, कैनाल से छोटी छोटी कैनाल यानी कि खाल निकाल के गांव के खेतों तक पानी पहुंचाना, गांव के घरों तक पानी पहुंचाना, और जो रकबा सिंचित नहीं है उस रकबे में पानी पहुंचाना। और बड़े लेवल पे क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार हम देखते हैं कई नदियों में पानी बफर रहता है, लेकिन कई नदियां मौसमी होती है जो गर्मी की ऋतु में सूख जाती है, यानी कि जो जब गर्मी का सीजन आता है तो वो सूख जाती है पूरी तरह। तो बच्चों, जिन नदियों में पानी अधिक है, उन नदियों के पानी को जिन नदियों में पानी कम है उस नदी में ले जाया जाता है। तो ये योजना बच्चों कब बनाई गई थी? सिंचाई योजना 2015-16 में बनाई गई थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को बनाया, और बहुत सी बड़ी नदियों को एक दूसरे से लिंक करना, और दूसरा छोटी नहरों को एक दूसरे से लिंक करना, और छोटे कैनाल से खेतों तक सिंचाई का प्रोजेक्ट लेके जाना। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बच्चों, अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह राइट है। इसके बाद बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द बेसिक एम ऑफ PMKSY इज टू एनहांस फिजिकल एसेस ऑफ वाटर ऑन फार्म। भाई, सिंपल सा है कि खेत में पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना। तो बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया आपको खेतों में पानी पहुंचाया गया। थर्ड स्टेटमेंट, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि जो सिंचाई का क्षेत्र है उसमें क्या करना है, निवेश को और ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ाना है, जिससे कि सिंचाई का एरिया बढ़ाया जा सके। ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह राइट है। अब बच्चों, हम देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है, आर करेक्ट, कि कौन सी सही है। तो इसमें तीनों सही है बच्चों। अब इसमें तीनों का ऑप्शन देख लेंगे, तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी, 1, 2, 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें पूरी तरह सही रहती है आपकी, तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। तो बच्चों, अगली बार ये हो सकता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको वो क्वेश्चन भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भी बच्चों NDA 2020 फास्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है।
According to Article 79 of the Constitution of India, which of the following is are described as a part of Parliament of India? भाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? अब बच्चों सिंपल सा है कि भारत की संसद का पार्ट या भारत की संसद का एरिया कौन कौन सा आएगा, तो देखते हैं भाई। द हाउस ऑफ पीपल, भाई दोनों हाउस के पीपल किसके हैं? संसद के मेंबर है, यानी कि लोकसभा की बात करोगे तो 543 मेंबर जिनको एमपी बोला जाता है, और राज्यसभा की बात करोगे तो 245 मेंबर, इनको भी एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा वाले, ये लोकसभा वाले, यहाँ एलएस कर सकते हो, यहाँ आरएस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मेंबर किसके? द हाउस ऑफ पीपल, ये हाउस के सदस्य हैं। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसके बाद बच्चों सेकंड देखते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल भाई ये भी संसद के सदस्य है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई ये तो संसद का प्रमुख है, ये भी संसद का सदस्य है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भाई करेक्ट कौन सा है? तो डी स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, यहां पे करेक्ट रहेगी, पूरी तरह करेक्ट रहेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 5-year प्लान वॉज फास्ट लॉन्च्ड इन एनडीए 2020 के, फास्ट का क्वेश्चन भाई, कि पहला प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ पंचवर्षीय योजना वो कब लॉन्च हुई बच्चों, और कहां पे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो बच्चों इस स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये जो पंचवर्षीय योजना का फार्मूला था ना, एक्चुअल में बच्चों वर्ल्ड में तीन टाइप का सिस्टम होता है, और तीन टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटलिज्म, दूसरे को बोलते हैं सोशलिज्म, और तीसरे को बोलते हैं मिक्सड। कैपिटलिज्म जहां पे जनता यानी कि जो फैक्ट्री मालिक है या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। सोशलिज्म में सरकार डिसाइड करती है, यानी कि सरकार का कंपनियों के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। मिक्सड में बच्चों इन दोनों का लिया जाता है, यानी कि दोनों का फॉर्मूला लेके मिक्स कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों, तो भारत में पंचवर्षीय योजना किससे ली गई और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों पहले इलेक्शन के तुरंत बाद बनाई गई, और पहले इलेक्शन के बाद पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना का सिस्टम कहां से आया? तो बच्चों ये सिस्टम आया यूएसएसआर से, यानी कि ये यूएसएसआर कौन था? तो भाई रशिया इसका सबसे बड़ा लीडर था, और उसके साथ बहुत से देश सोवियत संघ में शामिल थे, तो उसी को बोला जाता था यूएसएसआर। तो आपको बोला यूएसएसआर में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, और वहीं से कॉपी करके भारत ने अपने एरिया में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों एनडीए 2020 से रिलेटेड है। द कोल ऑफ गिरिबी हैटो वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, भाई गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ की बात करें तो ये नारा बच्चों इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया था, और इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया तो इंदिरा गांधी की सरकार में कौन सा प्लान आया, पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों प्लान की बात करें तो पहला प्लान 1951 से लेके 56 तक, दूसरा प्लान 56 से लेके 61 तक, और 61 तक तो इंदिरा गांधी थी नहीं, तीसरा प्लान 61 से लेके 66 तक, तो तीसरे प्लान में भी इंदिरा गांधी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है देश की, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद इंदिरा गांधी का प्लान कौन सा आएगा भाई? तो बच्चों इंदिरा गांधी का प्लान, जब इंदिरा गांधी ने 71 यानी कि 1971 में वो इलेक्शन जीती, और 71 में उन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत को महत्वपूर्ण जीत भी दिलाई। उसके बाद जो 5-year प्लान आता है बच्चों, उसमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा कौन से प्लान में दिया गया? तो आपको बोलना 5th 5-year प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जब इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में आएगी। चलो बच्चों
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एनडीए 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें बहुत सी स्टेटमेंट दी गई है, और इन स्टेटमेंट को लिस्ट को लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड तक मैच करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। भाई इन्होंने कहा पहली लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करो, और लिस्ट किसके लिए है? ये तो है मेजर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जो प्लान में जो जो काम किया गया, और ये है प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान की ये लिस्ट है। बच्चों इसमें हम देखते हैं पहला, यानी कि पहली स्टेटमेंट देखते हैं, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। भाई सबसे फास्ट ग्रोथ कौन से 5th ईयर प्लान में थी? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और थर्ड इन्होंने दिया करेक्शन ऑफ डिस क्वेलेबियम काउजेस बाय सेकंड वर्ल्ड वॉर। भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात चल रही है। तीसरा अटेंडिंग सेल्फ रिलायंस। तो बच्चों इस स्टेटमेंट की बात करें, इन्होंने क्या दे रखा है, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट, फिफ्थ, 11th, 12th। अब देखते हैं हम इस स्टेटमेंट को किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों इसमें जब हम जाते हैं तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि पहला ऑप्शन हमें कहां से मिलता है, तो हम देखते हैं कि पहले में 3-3 जो ऑप्शन, ये 3 और 3 दिया गया है ना ए और बी का, यानी कि जब हम बी पे जाते हैं इसके ऊपर, तो बी में फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसका बच्चों 11th प्लान की बात चल रही थी। अब देखो एक स्टेटमेंट हमें मिल गई, एक स्टेटमेंट मिल गई। इसके बाद बच्चों ये दोनों तो हो जाती है गलत, यानी कि सी और डी आपका पूरी तरह गलत हो गया। ये हमारा एक मिनट बच्चों, जो पीछे के क्वेश्चन आ गए, यानी कि सी और डी स्टेटमेंट तो पूरी तरह गलत है। अब आपकी डिबेट किस में रहेगी, ए और बी में रहेगी। अब ए और बी में रहेगी बच्चों, तो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा। अब बच्चों हम जब इसके बी पे चलेंगे, यानी कि बी का कहां से मिलान करें, तो बी का मिलान करोगे आप बच्चों, तो कुल मिला के आपको ऑप्शन मिलेगा बी का 4th, यानी कि आपको 4 पे आना पड़ेगा, और राइट स्टेटमेंट जो हमारी रहेगी। उसके बाद सी पे जाओगे तो सी का मिलेगा, यानी कि फास्ट करेक्शन ऑफ डिसक्वालिफाइंग काउजेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कब हुई भाई, देखो वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेके 1945 तक, और 45 के बाद भारत आजाद हुआ, 47 के बाद आजाद हुआ, और उसके बाद कौन सा प्लान बनाया गया, फास्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, यानी कि सी का आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब भाई सी में 1 कहां पे मिल रहा है, तो यहां पे मिल गया हमें सी में 1, बिल्कुल राइट, सी में 1 मिल गया। अब बच्चों सी में 1 मिल गया, तो यहां पे सी में 4 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन भी गलत रहेगा। यानी कि ये होता है इन क्वेश्चन को बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, और इन डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका ये होता है कि इनमें से 1 या 2 आप राइट स्टेटमेंट देख लो कि कौन सी राइट स्टेटमेंट मैच हो रही है। भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आपको पता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पता है तो वहां पे फास्ट हुआ होगा, और यहां पे क्या दे रखा है, सेकंड से रिलेटेड दे रखा है, तो आप सीधे इसके ऊपर जा सकते हो। इसके बाद बच्चों आगे स्टेटमेंट की बात करोगे तो हमें डी का ऑप्शन मिलेगा 2, यानी कि अटेंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन, ये कौन से में था, 5th में था। तो बच्चों हमारी राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, बी रहेगी, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो राइट स्टेटमेंट आएगी बी निकल के आएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2025 से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। भाई देखो कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, और मैं कहूं कि 42nd अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट था, मैं पीछे भी बता चुका हूं, जिसमें एक छोटा संविधान तैयार कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, और इस समय इमरजेंसी चल रही थी। तो बच्चों इसमें क्या क्या बात कही गई है, देखो द स्टेट सेल मिनिमाइज इन इक्वेलिटीज इन इनकम। भाई ये तो पूरी तरह क्या करे, ये बिल्कुल पूरी तरह राइट स्टेटमेंट है, और इन्होंने पूछा क्या है
कि वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976, कि इसका काम क्या था, राज्य में असमानताओं को कम करना। तो भाई राज्यों में असमानताओं को कम करना इस कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं था। देखो एक राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है जिस प्रकार गुजरात है, केरला है, और एक राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो सकता है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड। अब दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। भाई मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 में सोशलिज्म वर्ड डाल दिया गया, और सोशलिज्म वर्ड का मतलब क्या है भाई, सभी लोग क्या है, समान है। तो इसकी राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, बी रहेगी, आंसर बी रहेगा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये नहीं था बच्चों, बचपन की देखभाल के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये भी नहीं था, यानी कि राइट आंसर रहेगा आपका बी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनडीए 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, 21 से रिलेटेड। ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश बाय, भाई दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो बच्चों इसकी बात करें तो बिल्कुल की जा सकती है, और किस प्रकार की जा सकती है इसकी बात करते हैं। ए लॉ पासड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट लॉ पास करेगी कि दो से अधिक स्टेट के लिए एक ही न्यायालय बनाना है। एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, और संविधान जब एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई आर्टिकल पास करती है। एन ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत बच्चों, प्रेजिडेंट नहीं करेगा ये सब। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत बच्चों, भारत के संविधान में संशोधन ऐसा भी नहीं है। तो संसद द्वारा पारित एक कानून, संसद कानून बनाएगी और कानून के अकॉर्डिंग दो से अधिक स्टेटों के लिए एक हाई कोर्ट को बनाया जा सकता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2025 से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भाई सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग की बात कर रहे हो तो हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गलत भर, बिल्कुल गलत है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे पुराना डिपार्टमेंट नहीं है, बी को छोड़ दो एक बार। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी गलत है, DRDO, ये भी गलत है। तो सर्वे ऑफ इंडिया, भाई हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, सर्वे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, बी रहेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2020 सेकंड से रिलेटेड है बच्चों, और इसकी जब हम देखते हैं स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बच्चों हो सकता है अगली बार इसी टाइप की स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भाई राज्य दिए हैं चार, और इन चार में से आपको क्रैक करना है, लेकिन हो सकता था, देखो अभी ये चार ऐसे राज्य नहीं है जिनकी भारत में सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने चार ही राज्य दिए हैं। अब हम देखते हैं इनमें सबसे कम जनसंख्या इनमें से कौन से राज्य की है। तो बच्चों महाराष्ट्र तो छोड़ दो, ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन तो आपका पूरी तरह रहेगा ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और 10 से 12 करोड़ पॉपुलेशन रहती है महाराष्ट्र की। इसके बाद मध्य प्रदेश, ये भी वही गलत है, करीब करीब 6.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद उड़ीसा, ये भी गलत है बच्चों, 4.5 करोड़ पॉपुलेशन, लेकिन पंजाब यहाँ पे राइट ऑप्शन, करीब करीब 3 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ की है। तो डी क्वेश्चन, डी आंसर आपका राइट रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड रेवेन्यू से पूछा गया बच्चों, एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेनड इन इंडिया हैव कैटेगरीज लैंड यूज इनटू, भारत में अनुरक्षित भू राजस्व अभिलेखों में भू उपयोग को वर्गीकृत किया गया है। तो इन्होंने पूछा 6 कैटेगरी, 9 कैटेगरी, 15 कैटेगरी, 21 कैटेगरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो रहेगा, मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर
अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो उन्होंने तीन टाइप के सिस्टम लेके आए थे, रेवेन्यू सिस्टम जिनको बोला जाता है। पहला रेवेन्यू सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे, दूसरा रेयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। इनके अकॉर्डिंग बच्चों जमीनों को हिस्सों में बांटा गया था, तो उसकी कैटेगरी होती है नाइन कैटेगरी इसमें रहेगी। और बच्चों आज जो हमने क्वेश्चन किए वो एनडीए 2020 से रिलेटेड थे, तो एनडीए 2020 में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। और जब हम ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो हो सकता है अगली बार इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इनकी स्टेटमेंट चेंज करके दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, और आपको हर एक पीवाईक्यू को अच्छे से करना है।